नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। संसद भवन परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। प्राइड मेन लेक्चर हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सहित कई वरिष्ठ गणमान्य शामिल हुए। 26 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान हॉल में मौजूद प्रशिक्षुओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोकतंत्र का विचार भारत में ही उत्पन्न हुआ। सबसे पहले लोकतंत्र का विचार ही भारत में हुआ था, महाभारत काल से लेकर मौर्य युग तक और फिर गुप्त साम्राज्य तक। हर जगह पे कोई न कोई शासन व्यवस्था के जो विकल्प थे उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि महाभारत आपने पढ़ा होगा, उसमें श्री कृष्ण का जो यादव गणराज्य था वो गणराज्य था, इसका कोई राजा नहीं था, नायक हुआ करते थे, नायक का चुनाव होता था। और उसके बाद मगध साम्राज्य का समय आया, एक साम्राज्यवादी सोच, बहुत बड़ी सोच थी, इसके सामने भी वैशाली, मल्ल, कई गणराज्य थे जिन्होंने बहुत अच्छे शासन के उदाहरण दुनिया के सामने पेश किए थे। हम भारत में लोकतंत्र की जननी के संस्कार को समाहित किए हुए लोकतंत्र को आज हमारी जड़ें बहुत नीचे तक पहुंच चुकी हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी अच्छी तरीके से संविधान बनाया है कि ये संविधान को एक प्रकार से दुनिया का सबसे परिपूर्ण संविधान माना जाता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हॉल में मौजूद गणमान्य लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझना और उस कानून को स्पष्टता देना महत्वपूर्ण कार्य होता है। कानून बनाने के प्रक्रिया को समझना और कानून बनाने की प्रक्रियाओं के साथ साथ उस कानून की स्पष्टता देना, ये एक महत्वपूर्ण काम होता है। और इसीलिए हमारी जो संस्था है प्राइड, जो लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, जिसमें हमें गर्व है कि देश के अलावा विश्व के कई लोकतांत्रिक देश यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं और हमें गर्व है भारत के लोकतंत्र पर, यहाँ की लोकतांत्रिक परंपराएं, प्रपाटीय नियम और हमारे संविधान में के कारण, जिसके कारण यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर वो अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करते हैं, मजबूत करते हैं। आज महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर की जयंती है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट संदेश में उनको याद करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी अमर शहीद श्री सुखदेव जी की जयंती पर भावपूर्ण नमन। उनका संघर्ष एवं बलिदान सदैव देशवासियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। आज पूर्व उपराष्ट्रपति, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण नमन। राष्ट्र और राज्य की प्रगति में उनका उल्लेखनीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। आज भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ रहे फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट किया कि कुशल नेतृत्व, शौर्य, संकल्प व साहस के पर्याय रहे भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण नमन। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।